फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आई है सीबीएसई की तरफ से, और ये अपडेट आप सभी वीएलई भाइयों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ वीएलई भाइयों के ऊपर एफआईआर और केसेस कर रहा है सीएससी। और बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही कदम उठाया है सीएससी ने। क्यों, क्या, कैसे हुआ है, क्या एग्जैक्टली, मैं इन डिटेल आपको बताऊंगी इसी वीडियो के माध्यम से। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, आपको मैं क्लियरली दिखा देती हूँ कि क्या नोटिस है। अटेंशन वीएलईज, इट हैज कम टू आवर नोटिस दैट सम ऑफ द वीएलईज आर शेयरिंग इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन विथ अदर्स। तो एग्जाम से जुड़े हुए बहुत तरह के एग्जाम होते हैं सीएससी से रिलेटेड। आपको पता है कि कुछ सर्टिफिकेट सीएससी देती है, कुछ कोर्सेज स्टूडेंट करते हैं सीएससी के अंतर्गत। तो इन एग्जामिनेशन की डिटेल्स जो है वो वीएलई एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी की गई है कि किस तरह से ये इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी इसी वीडियो में कि एक्चुअली हो क्या रहा है। वी आर चेकिंग आईपीस एंड लोकेशन, इफ फाउंड गिल्टी एफआईआर विल बी फाइल्ड एंड लीगल एक्शन विल बी टेकन। तो आपको पता है कि आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो इसकी सारी ट्रैकिंग जो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस के थ्रू होती है, और उसके बाद उसके थ्रू लोकेशन भी पता चल जाता है। और अगर लोकेशन पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली कौन से सीएससी वीएलई भाई ने ये काम किया है वो भी समझ में आ जाएगा, वो भी पता लग जाएगा, और उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर होगी, ऐसा सीएससी ने क्लियरली बोल दिया है। अब एक्चुअली आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि हुआ क्या है, कि एक एग्जाम्पल दूंगी मैं कि मान लेते हैं कि अगर पीएमजी दिशा में आप इंफॉर्मेशन जिस स्टूडेंट की लगानी है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं लगा के किसी और की लगा रहे हैं, या फिर एग्जाम पे जिस स्टूडेंट को बैठना है उसको नहीं बिठा के किसी और को बिठा रहे हैं, या फिर जो रैप एग्जाम होता है या फिर आधार का एग्जाम होता है उसकी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें गलत होती है। एनी डेस्क पे आप किसी को एक्सेस दे रहे हैं जबकि आप यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी हरकत आप करते हैं तो ये गलत होता है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आप में से काफी वीएलई भाइयों को पता होगा, और मैं इसके बारे में इन डिटेल इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि जिनको पता नहीं भी होगा उनको भी पता चल जाएगा कि किस तरह से ये काम होता है। तो मैं इसके बारे में इन डिटेल आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं एक चीज आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं जहाँ पे आप सिस्टम टू सिस्टम यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस दे रहे हैं, या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डिटेल आप शेयर कर रहे हैं, या फिर किसी और का एग्जाम किसी और से दिलवा रहे हैं, इस तरह की कोई भी हरकत कर रहे हैं जो आपको खुद को भी पता है कि गलत है, तो इन चीजों को लेकर के अब सीएससी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, कड़े एक्शन लेने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में सीएससी जो इस तरह की फालतू चीजें कर रहा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो, चाहे वीएलई भाई हो, या कोई थर्ड पार्टी हो, उनके ऊपर एफआईआर करने से, केस करने से बिल्कुल भी नहीं कतरा रही है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि सिर्फ ये बात जो है हवा में हो रही है और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इस पे कोई एक्शन नहीं लेगी सीएससी, बिल्कुल सीएससी एक्शन लेगी। इसलिए आप इस तरह का कोई काम ना करें, और अगर आप कभी भी इस तरह की किसी चीजों को बढ़ावा देते हैं तो भी गलत है। अगर आपको कोई वीएलई भाई पता है जो इस तरह से कुछ कर रहे हैं तो आप उनको भी इसे समझाएं, या फिर आप मुझे भी मेल कर सकते हैं, डिटेल्स ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, ताकि मैं उनसे पर्सनली बात करके उनको समझा सकूं कि ये चीजें गलत होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, आपको इससे जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।